धरती के लगभग 70% हिस्से में समुद्र मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी कई देशों में पीने के पानी की कमी है। ये समुद्र सिर्फ खारे पानी का घर नहीं है, बल्कि यहाँ न जाने कितनी ही प्रजाति के जीव जंतु और रहस्यमयी मछलियाँ निवास करती हैं। समुद्र की गहराई और इसमें दफन सैकड़ों टन सोने का रहस्य भी आज तक उजागर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से समुद्र को अनसुलझी पहेली माना जाता है। कितना रहस्यमयी है समुद्र। हिंदू धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन का जिक्र मिलता है, जिससे देवताओं और दानवों को कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई थी। हिंदू धर्म की तरह ही दुनिया के विभिन्न धर्मों और देशों में समुद्र को देवता के रूप में माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, ताकि समुद्र की विशाल लहरें इंसान को अपने अंदर ना समेट लें। माना जाता है कि समुद्र का पानी बेहद खारा है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। समुद्र का पानी कई जगहों पर हल्का मीठा होता है, क्योंकि उन स्थानों पर मीठे पानी की नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, और इस वजह से कुछ स्थानों पर समुद्र के पानी का खारापन कम होता है। लेकिन समुद्र के पानी में नंगे बदन उतरने से खुजली और जलन जैसी समस्या हो सकती है, जबकि समुद्र में नहाने के बाद त्वचा चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि उस पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। इसलिए समुद्र में नहाने के बाद साफ पानी से नहाना जरूरी होता है। जबकि कई लोग समुद्री सूट पहनकर पानी में उतरते हैं। धरती के इतने बड़े हिस्से में समुद्र या महासागर कैसे विकसित हुए थे, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक किसी भी सटीक जवाब तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि ये माना जाता है कि जब धरती पर उल्का पिंडों की वर्षा हो रही थी, तो उसकी वजह से जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे विकसित हो गए थे। इसके बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई और आसमान से बारिश होने लगी, तो यह गड्ढे पानी से भर गए, और एक समय बाद धरती पर इतना ज्यादा पानी हो गया था कि पूरी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती थी। समुद्र के पानी की तरह उसकी लहरें भी रहस्यमयी हैं, जो तीन वजहों से उत्पन्न होती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र में लहरें उठने के लिए चंद्रमा जिम्मेदार होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ग्रेविटी फोर्स की वजह से खिंचाव यानी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और समुद्र में लहरें बनती हैं। वहीं समुद्र की सतह पर बहने वाली हवाओं की वजह से भी लहरें बनती हैं, जबकि समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से लहरें विकसित होती हैं। यह तीनों तरह की लहरें अलग अलग होती हैं, जबकि उनका पृथ्वी पर विनाशकारी या फिर जीवनदायक प्रभाव देखने को मिलता है। समुद्र कई जीव जंतुओं और मछलियों का घर है, जिनका अनुमान आप और हम नहीं लगा सकते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि हमने अब तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देखा है, जबकि इसके बाकी के हिस्से में कई दुर्लभ और रहस्यमय जीव जंतु मौजूद हो सकते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र में कई प्रकार के पेड़ पौधे और जलीय घास होती है, जो इतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करती है कि उसकी वजह से जलीय जीव और हम इंसान जिंदा रह पाते हैं। लेकिन समुद्र हम इंसानों के लिए जीवनदायक होने के साथ साथ जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि समुद्र में आप जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे, आपके शरीर पर उतना ही अधिक प्रेशर पड़ने लगेगा। यह प्रेशर इतना अधिक होता है कि इंसान की हड्डियां और मांसपेशियां पल भर में गुब्बारे की तरह फट सकती हैं। इसलिए समुद्र की गहराई में जाने वाले गोताखोर खास प्रकार का सूट और ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं। समुद्र आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से चर्चा का विषय रहा है, जब लोग समुद्र के जरिए लंबी यात्रा तय करते थे। उस वक्त कई लोगों ने समुद्री यात्रा पर किताब लिखी थी, जिसमें समुद्री लुटेरों से लेकर जलपरी और समुद्र के अंदर रहने वाले विशालकाय ड्रैगन का उल्लेख मिलता है। इन किताबों में बताया गया है कि समुद्र के अंदर रहने वाली जलपरी बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसका आधा शरीर लड़की का और आधा शरीर मछली का होता है। यह जलपरी समुद्र से गुजरने वाले युवकों का ध्यान आकर्षित करती है, जबकि उसके मायाजाल में फंसने वाला व्यक्ति वापस कभी अपने घर नहीं लौटता है। इसी प्रकार समुद्र में यात्रा करने से पहले ड्रैगन की पूजा करना या फिर उससे इजाजत लेना जरूरी बताया गया है, क्योंकि ऐसा न करने पर जहाज तूफान में फंस जाते थे या फिर दुर्घटना का शिकार होकर समुद्र में डूब जाते थे। बताया जाता है कि समुद्र की गहराइयों में इतने सारे जहाजों का मलबा मौजूद है कि अगर उसे बाहर निकाला जाए तो पूरी पृथ्वी जहाज के मलबे से ढक जाएगी। इतना ही नहीं, उन जहाजों के साथ कीमती खजाना और कई टन सोना भी पानी के अंदर डूबा हुआ है, जिसे अगर 8 बिलियन लोगों में बांटा जाए तो हर इंसान के हिस्से में 2 किलोग्राम सोना आएगा। इसी प्रकार समुद्र के अंदर कई प्राचीन शहर और नगरों के डूबने का रहस्य भी छिपा हुआ है, जिसके तहत पुरातत्वविदों को समुद्र के अंदर प्राचीन शहर और वहां इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और जेवर आदि के अवशेष मिलते हैं। इन प्राचीन शहरों में द्वारिका नगरी से लेकर अटलांटिस का नाम शामिल है, जो समुद्र में जलमग्न हो गए थे। हालांकि इन शहरों के अवशेष पुरातत्वविद अभी भी खोज रहे हैं, ताकि उनके अस्तित्व को उजागर करने में अहम सबूत इकट्ठा किया जा सके।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।